और सरसों का साग कैसे बनाया। चैनल मैं हूँ सुरभि, इंडियन गर्ल इन यूरोप। और आज मैं एक स्पेशल वीडियो लेके आई हूँ आपके लिए, जो मैंने कुछ दिन पहले इंस्टाग्राम पे एक पिक्चर शेयर किया था, मक्के की रोटी और वाइट बटर। तो बहुत सारे लोग जो जर्मनी में रहते हैं उन्होंने पूछा कि बटर कहाँ से मिला आपको। तो हम लोग रिवाइंड में जाते हैं और देखते हैं कि मक्के की रोटी और वाइट बटर मैंने कैसे बनाया। पूरा जुगाड़ है, मतलब एक दिन मैं कुछ और बना रही थी और वाइट बटर बन गया, और उसी का जो जैसे भी बना था वो मैं आपको बताऊंगी। इवन मक्के की रोटी के लिए भी सामान मेरे को कहाँ से मिला, सरसों का साग के लिए, ठंड है दिल्ली में, हम लोग लाइक नॉर्थ साइड में हम लोग बहुत खाते हैं ठंड में, तो हम लोगों ने बनाया था अपने लिए, तो मैंने सोचा आप लोगों से शेयर करें। तो चलो रिमाइंड करके देखते हैं कि क्या किया, कैसे किया, एंड होपफुली ये आपको हेल्प करेगा। अगर आप भी टेम्पटेशन हो रही है वाइट बटर खाने की, तो होपफुली ये हेल्प करे आपको। सो गाइज, वेलकम बैक टू माई चैनल। मैं हूँ सुरभि, इंडियन गर्ल इन यूरोप। और आज हम लोग बना रहे हैं दिल्ली और हरियाणा की स्पेशलिटी। दीपक, तू वहाँ से बोल सकते हो, तुम सॉरी तुम वहाँ से बोल सकते हो, क्या है वो? मक्के की रोटी और सरसों का साग हम लोग बना रहे हैं आज। तो ब्लॉगिंग करेंगे और आपको दिखाएंगे, क्योंकि शायद आप लोग बहुत सारे लोग ऐसा सोचते होंगे कि जर्मनी में मक्के की रोटी और सरसों का साग कैसे बनाया, और हमने जो भी सामान है वो सब यहीं से लिया है। तो आपको सब बताते हैं कि कहाँ से लिया है, क्या लिया है और कैसा बनेगा। आई थिंक मैं पिछले सीज़न में मैंने एक बार बनाया था, अब इस सीज़न में मैं पहली बार बना रही हूँ, तो लेट्स ट्राई। कुछ अच्छा भी बन सकता है और बुरा भी। ट्राई थोड़ा। तो चलो सबसे पहले, हाँ अभी भी देख रहा हूँ, देख रहा होंगे नहीं, तो पहले देख रहा था ना। दीपक ने बोला है स्पेशली इस वीडियो में इसको नहीं लेना, तो सॉरी पहले दिख रहा था तो मैं बोला दिख रहा है, तो कह रहा है फिर हट गया, तो कहता है अब दिख रहा है, मैंने बोला नहीं, तो कह रहा पहले क्यों बोला था दिख रहा है। सॉरी, बैड कॉमेडी। ओके, तो ये देखो, ये हम लोग इंडियन स्टोर से लाए हैं मक्के का आटा, जो आई थिंक साउथ अफ्रीका का आटा है, पर ठीक है हम लोग इससे बनाएंगे। और सरसों का साग के लिए हमने ये लिया है, तो क्योंकि यहाँ पर वो लीव्स नहीं मिलती हैं, तो इसलिए जो भाजी होती है वो नहीं मिलती है, तो अब हम इससे बनाएंगे। थोड़ा इसको मैं थोड़ा सा कस्टमाइज़ करती हूँ, मतलब इसमें गार्लिक वगैरह अच्छे से डालती हूँ, तो वो करते हैं और बनाते हैं दीपक के लिए। और वाइट बटर भी बनाऊँगी, क्या बोलते हैं दीपक वाइट बटर को? नोनी घी। हाँ, नोनी घी भी बनाएंगे। करते हैं और खाना बनाते बनाते शूट करना बहुत मुश्किल काम है। जर्मनी के किचन वैसे तो थोड़े से छोटे होते हैं, पर हम दोनों के लिए एकदम परफेक्ट है। वैसे तो मुझे खाना जो है वो रॉ बनाना अच्छा लगता है, मतलब फ्रॉम द स्टार्टिंग सब कुछ खुद से। कोई भी जो बने बनाए सॉस होते हैं या करी होती है वो यूज़ करना मुझे खाना बनाने में बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। बट बिकॉज़ सरसों मिलना यहाँ पर बहुत मुश्किल है, और सरसों खाने का जो सरसों का साग है वो ठंड में खाने का एक अलग ही मज़ा है, तो मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था और मैंने ये ख़रीदा।
ये आपको किसी भी इंडियन स्टोर पे या जो भी ऑनलाइन वेबसाइट्स हैं इंडियन जहाँ पर सामान मिलता है वहाँ पर बहुत ईजिली मिल जाएगा ये वाले ब्रांड का। और ये अच्छा होता है, आप थोड़ा अपने हिसाब से कस्टमाइज़ कर सकते हो जैसा कि मैं कर रही हूँ, एंड यू विल गेट द ग्रेट रिजल्ट। और एक और बात, ये जो टिन वाला डब्बा है ये मुझसे कभी नहीं खुलता, हमेशा मुझे दीपक की हेल्प लेनी पड़ती है। मुझे नहीं पता आप लोग में से कितने लोग हैं जो इसे खोल पाते हो या नहीं। आई ट्राई सो मेनी टाइम बट स्टिल मैं नहीं कर पाती हूँ इसे सब। एंड जो हमारा वाला तड़का है, मेरा वाला जो तड़का है बटर घी और ये सब डाल के, ये तो हर किसी चीज़ में होना बहुत ज़रूरी है, अ टिपिकल इंडियन तड़का। तो हमारा लोली घी दीपक बना रहा है और सरसों का साग बन गया है, मक्के की रोटी बन जाए क्योंकि कभी बन जाती है कभी नहीं बनती। लेट्स सी कि बनेगी कि नहीं, क्योंकि वो आटा बहुत ही अजीब होता है। मैं फिर भी अपनी पूरी कोशिश करूंगी। व्हाइट बटर बनाना मेरे लिए बहुत मुश्किल था, मुझे पता ही नहीं था कि वाइट बटर कैसे बनता है। एक दिन मैं कुछ और बना रही थी और वाइट बटर बन गया। चलो मैं आपको भी बता देती हूँ ये सीक्रेट रेसिपी। कोई भी घी लो, उसमें आइस डालो और आइस से फेंटो, एंड यू विल गेट इन सम सेकेंड्स या सम मिनट में आप जैसे जैसे फेंटते जाओगे वो जो घी है वो वाइट बटर में कन्वर्ट होता जाएगा। मुझे नहीं पता, मेरी मम्मी को भी शायद ये नहीं पता होगा। आप लोगों में से कितने लोगों को पता है कि बटर जो है वाइट बटर या नोनी घी जो है वो इस तरीके से बनता है, मुझे ज़रूर कमेंट करना क्योंकि ये मेरे लिए सरप्राइजिंग था। पता नहीं मैं क्या कर रही थी और वाइट बटर बन गया और बहुत ज़्यादा सरप्राइजिंग था। एंड दैट डे, फ्रॉम दैट डे मैं जब भी पराठे बनाती हूँ या इस टाइप का कुछ बनाती हूँ तो मैं वाइट जो नोनी घी है वो तुरंत 5 मिनट में बना लेती हूँ। ओके, मक्के का आटा और मक्के का आटा बांधना थोड़ा सा मुश्किल है पर कर लिया हमने, बचपन से करते हैं अभी भी कर लिया। रोटी बनाना भी थोड़ा डिफ़िकल्ट है बट स्टिल, मतलब अगर आपको थोड़ा बहुत भी आटा बनाना या रोटी बनाना आता है तो यू कैन डू इट। मैंने जो है वो इसके लिए पॉली बैग का यूज़ किया बिकॉज़ मुझसे डायरेक्ट रोटी नहीं बनती है जैसे दीपक की मम्मी हाथ से ही बना लेती हैं, मतलब विदाउट बेलन यूज़ करे, मेरे से नहीं होता है तो मेरे को थोड़ा पॉली बैग जो है वो यूज़ करना पड़ा। बट जो एंड रिजल्ट था लाइक खाने में प्लस रोटी वो सब कुछ बहुत अच्छा हुआ। वो रुको देखो आप कैसे किया, उसका भी मैं आपको जो जुगाड़ है वो बताती हूँ, आपको दिख जाएगा एंड यू कैन ऑल्सो ट्राई इट। और अगर आप कभी ट्राई करो तो मुझे ज़रूर बताना लाइक कमेंट करके कि हाँ आपने ट्राई किया है। इनमें से कुछ भी चीज़ आप ट्राई करो जर्मनी या यूरोप में तो ज़रूर बताना। तो मुझे बिल्कुल यकीन नहीं था कि ये रोटी बन जाएगी बट बन गई, थैंक गॉड, क्योंकि ये बहुत ही अनप्रेडिक्टेड है, एक दिन बनती है एक दिन नहीं बनती। इतने टाइम के बाद मक्के की रोटी सरसों का साग खा रहा हूँ, टेस्ट गजब यार, गजब टेस्ट। सबसे बड़ी बात ये चीजें भी जरूरी है और आपको हमने मैंने जुगाड़ बताई दी कि कैसे नोनी ही बन सकता है और बाकी सारी चीजें। ओह माय गॉड,
विंटर में बाहर ठंड है तगड़ी और यहाँ मक्के की रोटी सरसों के साथ चल रहा है, थोड़ा सा गुड़। सो गाइस, आई होप आपको ये वीडियो देख के ये पता चला हो कि जर्मनी में भी आप सरसों का साग और मक्के की रोटी बना सकते हो। थोड़ा सा जुगाड़ है और हम लोगों ने सोचा है नेक्स्ट टाइम जो है वो हम सरसों तोड़ के लाएंगे। आई डोंट नो वो जो पेड़ दिखते हैं सरसों जैसे वो सरसों के ही पेड़ हैं या नहीं। अगर वो सरसों के ही पेड़ हैं तो हम लोग नेक्स्ट टाइम ज़रूर पत्तियां तोड़ के लाएंगे, क्योंकि दीपक ने पूछ लिया था मम्मी से कि कैसे होते हैं, तो शायद छोटी छोटी पत्तियाँ तोड़ते हैं, क्योंकि ये जो टिन वाला होता है इसका टेस्ट इतना अच्छा नहीं होता। बट मक्के की रोटी बहुत ही परफेक्टली मैंने बना ली, थैंक गॉड। काश चूल्हा होता दीपक, है यहाँ पर चूल्हा होता तो बहुत मज़ा आता। मेरा फास्ट जो मैं खा नहीं पा रही हूँ, पर थोड़ी देर में खाऊंगी। बट दीपक ने बिल्कुल बोला है 100% इट्स गुड, बहुत टेस्टी था यार। एंड जितना हमें एक्सपीरियंस हुआ है कैसे बना सकते हैं यहाँ पर जुगाड़ू प्लस जर्मन जो भी सामान है या फिर इंडियन स्टोर है से अगर लाते हैं कुछ, तो वो मैंने आपको बता दिया। होपफुली जो लड़कियां होंगी, जो वाइफ्स होंगी और जो दिल्ली के लोग हरियाणा के लोग होंगे, उनको जब ऐसा कुछ खाने का मन हो तो आपको ये वीडियो ज़रूर ज़रूर हेल्प करेगा। और इसी के साथ मैं जाती हूँ और फिर से कोई अपना एक्सपीरियंस सुनाऊँगी, कुछ अच्छी चीज़ें दिखाऊँगी आपको, कुछ जो जुगाड़ू मैं चीज़ें मैं करती हूँ वो आपको बताऊँगी। एंड bye bye, take care, sir, like, share, subscribe and do whatever you want to do, lekin like, share, subscribe zarur kar dena, bye bye, take care।